एवरीबॉडी, तो आज हम बनाते हैं राजस्थान का फेमस मिक्स दाल। तो मिक्स दाल में ना 5 टाइप के दाल मिक्स होते हैं। उसमें चना दाल होता है, तूर दाल होता है, मसूर होता है, उड़द के दाल होते हैं और मूंग के दाल होते हैं जो छिलके के साथ होता है। तो उसको ना अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। आप रनिंग वाटर में भी वॉश कर सकते हैं उसको, उसका जो बाहर का जो व्हाइट व्हाइट स्टार्ची पार्ट है वो निकलना चाहिए, क्लीन होना चाहिए आपका दाल। फिर उसको ना आपको उबालना है। इसको बॉईल करने के लिए ना आप प्रेशर कुकर में, अगर हमने इधर 1 कप दाल लिया है तो उसमें हमने 3 कप वाटर ऐड किया है एंड थोड़ा सा नमक। नमक के साथ ना दाल अच्छे से गल जाती है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो दाल थोड़ा खड़े खड़े रहते, इसलिए नमक डालना उसमें 1 चम्मच भर के। एंड उसके बाद उसको 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक कीजिए। जैसे आपका 3 सीटी आके प्रेशर कुक हो जाएगा ना, दाल आपका कम्प्लीटली गल जाएगा। मिक्स दाल को ना आपके डाइट में इंक्लूड करने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। उसमें से एक है कि आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ये रिड्यूस करता है। और एक चीज़ है कि मिक्स दाल का ना जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, तो ये ना ब्लड शुगर लेवल को ना एकदम पीक में तुरंत नहीं लेके जाता है, स्लोली ग्लूकोज रिलीज करता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ना स्टेबल रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है शुगर और डायबिटीज पेशेंट के लिए। दाल को छौंकने के लिए कढ़ाई में पहले हमने 2 टेबलस्पून अराउंड रायका तेल यूज़ किया। आप अपने अकॉर्डिंग कौन से भी तेल यूज़ कर सकते हैं। उसमें साबुत तेज़पत्ता एंड सूखी मिर्च डाला है एंड उसमें 5 फोड़न डाला है। 5 फोड़न का जो इंग्रेडिएंट्स होता है ना, उसमें जीरा होता है, कलौंजी होता है, मेथी होता है, सौंफ होता है और सेलरी सीड्स होते हैं, जिसको हम राधुनी भी बोलते हैं। तो उसको पहले सॉटे करना है। जैसे इन्फ्यूज़ हो जाएगा फ्लेवर, उसमें आपको चॉप किया हुआ ऑनियन डालना है। जैसे ऑनियन ट्रांसलूसेंट होगा, चॉप किया हुआ गार्लिक डालना है, देन चॉप किया हुआ आपको अदरक डालना है एंड ग्रीन चिल्ली डालना है। आप ग्रीन चिल्ली आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, नहीं तो कम तीखा पसंद है तो इतना ही डालिए। देन आप चॉप किया हुआ टमाटर डालिए उसमें। जैसे टमाटर थोड़ा ऐसा सॉफ्ट होने लगेगा, उसमें आप सूखी जो आपके मसाले होते हैं वो डालिए। ऑलरेडी दाल में नमक है तो उस हिसाब से आप नमक डालिए, हल्दी पाउडर डालिए, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर डालिए और उसको अच्छे से पका ले आप। एंड देन आप उसमें जो कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर होता है ना, ये ऑप्शनल है, वो डाल सकते हैं आप अगर आपको थोड़ा तीखा और कलर चाहिए तो। जैसे आपका मसाले से तेल निकलना चालू हो जाएगा, आप उसमें दाल ऐड कीजिए। उसमें पानी आप आपके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पतला दाल पसंद है थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, अगर थोड़ा गाढ़ा पसंद है तो कम डालिए। फिर उसको ना कुक कीजिए ढक के 5 मिनट के लिए। फिर उसमें आप गरम मसाला डाल सकते हैं, क्वांटिटी सारे नीचे मेंशन किया हुआ है एंड आप थोड़ा धनिया का पत्ता डाल सकते हैं उसमें। उसको 5 मिनट के लिए थोड़ा लेट डाल के और थोड़ा पका लेना है। जैसे उसमें उबाल आ जाएगा आपका दाल पीस रेडी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इसको रोटी के साथ इंजॉय कीजिए या फिर चावल के साथ ऑन यू। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।